आज हम बात कर रहे हैं कि हार्ट के अंदर बढ़ी हुई ब्लॉकेज के लिए मोस्टली डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो कौन सा टेस्ट से पता करते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनी हुई है या बननी बनी हुई, कैसे कंफर्म होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ में, तो उनको भी पता चले हार्ट के बारे में। तो मोस्टली डॉक्टर जो टेस्ट करते हैं उसके लिए एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है, उसके अंदर कैथेटर डाल करके और आपके तार डाल के अंदर कैमरा डालते हैं, उससे चेक करते हैं, ग्राफ बनता है कि आपके आर्टरी जो है उनके अंदर कितनी ब्लॉकेज है। तो इसके अंदर भी आजकल थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है कि दो टाइप के टेस्ट आ गए, एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है, एक नॉर्मल एंजियोग्राफी होता है। तो हमें कौन सा करवाना चाहिए? तो मैं बता दूंगा कि आप दोनों ही करा सकते हो। आपको डर लगता है कि आप एडमिट नहीं होना चाहते हो इमरजेंसी के अंदर, तो हम नॉर्मल सीटी एंजियोग्राफी भी करवा सकते हो, उसमें भी रिपोर्ट आती है, उसमें भी सेम ही रिपोर्ट आती है, पता चल जाता है कि आपकी ब्लॉकेज कितनी है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।